हेलो दोस्तों, टैक्स फॉर वेल्थ में आपका स्वागत है। मैं हिमांशु कुमार और आज हमारे लोन सीरीज में ही बात करने वाले हैं कि अगर आप स्वाइप मशीन, सही सुना, स्वाइप मशीन POS अगर आप यूज़ करते हैं तो बिना फाइनेंशियल्स, इनकम टैक्स और बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट के बिना यूज़ किए आप 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले अपने मित्र के साथ कि कैसे आप, अगर आप स्वाइपिंग मशीन यूज़ कर रहे हैं तो कैसे बिना फाइनेंशियल के 10 लाख तक का लोन, सही सुना, बिना फाइनेंशियल, बिना डॉक्यूमेंटेशन, बहुत ही कम डॉक्यूमेंटेशन पे कैसे आप 10 लाख तक के इनकम जो लोन है इस आप अपने स्वाइपिंग मशीन के इनकम पे ले सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं लोन अगेंस्ट स्वाइपिंग। तो सुरेश, मुझे बताएं कि अगर एक मैं बिजनेसमैन हूँ और किसी तरह का रिटेल चलाता हूँ, स्वाइपिंग मशीन यूज करता हूँ जिसको POS बोलते हैं, तो उस केस में किस तरह से मुझे लोन मिल सकता है जबकि मेरे कोई फाइनेंशियल्स नहीं है या मेरे पास बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं है, इवन मेरे पास कोई सिक्योरिटीज नहीं है, कोलेट्रल नहीं है, तो मुझे क्या पहले लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल, देखिए ये काइंड ऑफ अनसिक्योर्ड लोन है। यहाँ भी आपको आपके स्वाइप्स के अगेंस्ट पे लोन मिलता है। सपोज़ अगर आपने एक EDC मशीन रखा हुआ है जो कि आज के टाइम पे सभी के पास होता है, ये मैंडेटरी जैसा हो गया। तो EDC मशीन, मैं फिर से क्लियर करूँ कि वो मशीन जिसके थ्रू हम क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कोई भी कार्ड स्वाइप करते हैं। छोटा सा अगर आप देखें तो PTM का बहुत छोटा सा स्मार्ट आजकल हर जगह छोटे छोटे दुकान पे भी है, तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं, POS या EDC मशीन बोलते हैं। यस, तो उसके बेसिस पे कुछ एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन को लोन देते हैं अप टू 10 लाख विदाउट एनी फाइनेंशियल्स। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात, फाइनेंशियल्स का मतलब आप इनकम टैक्स रिटर्न की बात कर रहे हैं। आपको किसी भी तरह का ITR कंप्यूटेशन कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। मतलब मेरे लिए तो बहुत सरप्राइजिंग है, मैंने भी बहुत कम बार ऐसा सुना है कि बिना फाइनेंशियल्स के आपके लोन हो जाए। खैर, तो अब बात करते हैं कि ये किसी के लिए एप्लीकेबल है जिसके पास POS है या कोई स्पेसिफिक कैटेगरी है? कोई कैटेगरी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। okay. सभी के लिए इन्वॉल्व, सभी को मिल सकता है ये लोन, एक्सेप्ट जो लिकर शॉप रखते हैं। अगर मैं एक्सेप्शंस की बात करूं तो केवल एक लिकर शॉप ऐसा है जिसको कि प्रेफर, वो तो ऐसे भी देखे तो नेगेटिव प्रोफाइल आती है, तो उनको तो ऐसे वैसे भी वो कैश रिच कंपनी होती है, जो लिकर कंपनी चला रहे हैं उनके पास बहुत पैसा होता है, उन्हें कोई जरूरत नहीं होती। अदरवाइज सारे, सभी को जो भी EDC मशीन अपने बिजनेस में यूज कर रहे हैं उनको अपने स्वाइप्स के अगेंस्ट पे लोन मिल सकता है। चलिए, तो अब मुझे एक बात बताइए, आप मिलने के लिए तो कह रहे हैं किसी को मिल सकता है, कुछ तो बेसिक रिक्वायरमेंट, डॉक्यूमेंटेशन लिस्ट, चेकलिस्ट कुछ तो होगा। ऐसा तो है नहीं कि कोई आपकी दुकान पे आएगा और कहेगा कि मैं आपको 10 लाख रुपए दे दूंगा। उसका क्या प्रोसीजर, क्या सिंपल क्राइटेरिया है उसका? वो आपसे दो चीजें मांगेगा, एक तो आपसे मांगेगा आपका लास्ट 1 ईयर का बैंकिंग, और दूसरा देखेगा कि आपका कितना स्वाइप हो रहा है मंथली बेसिस पे। दैट्स इट, इसके बेसिस पे वो आपको फंडिंग कर देगा। तो एक चीज बताइए कि आपका कहने का मतलब है कि आपकी बिजनेस 2 साल पुरानी होनी चाहिए, बिल्कुल, पहली चीज, और लास्ट 1 ईयर से आपका जो मशीन है वो यूज में होना चाहिए, बिल्कुल। अब एक चीज बताइए, क्या कोई मंथली लिमिट भी है कि, क्योंकि 10 लाख छोटा अमाउंट होता नहीं है, अगर मेरे महीने की सेल 5,000 का अगर मेरे कार्ड पे चलता है तो मेरी एलिजिबिलिटी तो ऐसे भी नहीं बनेगी, तो क्या कोई उसका बेंचमार्क है कि अगर मुझे 10 लाख लेना है तो मिनिमम कितने की स्वैपिंग होनी चाहिए? इसमें मैं दो बातें, एक तो कंपनी मिनिमम 3 ईयर्स पुरानी होनी चाहिए, 2 साल नहीं 3 साल पुरानी होनी चाहिए, और दूसरा जो आप कह रहे हैं कि 10 लाख तक का लोन कैसे मिल सकता है, उसका एक मिनिमम क्राइटेरिया है कि आपका मिनिमम स्वाइप 2 लाख का पर मंथ जरूर होना चाहिए। यानी एक कंडीशन तो आ ही गई, बिल्कुल। टेक्निकली अगर हम बात करें तो आपका साल का एवरेज सेल 24 लाख का होना चाहिए। मैं एवरेज वर्ड का यूज कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि एक ही महीने हो सकता है किसी सीजन में, डल सीजन में आपकी सेल 50,000 की है और किसी सीजन में 5 लाख की है, तो एवरेज 2 लाख का होना चाहिए। इसके अलावा क्या क्या डॉक्यूमेंट? इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं, सिंपल आपका GST और पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटोग्राफ, अगर आपका प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है तो वही 1 ईयर बैंकिंग के साथ में एक कोई रजिस्ट्रेशन प्रूफ, और आपका प्राइवेट लिमिटेड और पार्टनरशिप है तो उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रूफ्स होते हैं वो चाहिए बस। तो कहने का मतलब यह है कि एक तो GST रजिस्ट्रेशन, मुझे गवर्नमेंट का एक प्रूफ तो चाहिए चाहिए, हाँ, कोई एक एग्जिस्टेंस प्रूफ आपका चाहिए। तो एग्जिस्टेंस का मतलब कि देखिए, तो मैं फिर से एक बार समराइज करने की अगर मैं कोशिश को, मैं डॉक्यूमेंट पर केवल बात कर, सुरेश अगर कहीं मैं गलत हूँ तो मुझे रेक्टिफाई करने की कोशिश कीजिएगा। मिनिमम बिजनेस 2 से 3 साल का होना चाहिए, ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, 2-3 ही कंपनी है, बहुत ज्यादा कंपनी नहीं इस डोमेन में जो इस तरह का लोन देती है, राइट? बिल्कुल, ऐसा नहीं कि आप हर बैंक के पास ये फैसिलिटी है, नहीं, क्या नहीं, बैंक्स तो नॉर्मली बैंक्स नहीं देती हैं, एक दो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो कि देते हैं। ओके, तो पहली चीज कि ये सारे बैंक नहीं देते, अगर आप बैंक में जा रहे हैं तो आपको ये लोन नहीं मिलने वाला, ये प्रोडक्ट उनके पास होता ही नहीं है।
तो उसमें भी बता, मैं यहाँ थोड़ा सा रोकूंगा, पहले कुछ एक बैंक्स फंडिंग करते थे स्वैप के अगेंस्ट पे, लेकिन अब नहीं करते वो, अब नहीं करते, नहीं करते। हो सकता है एक दो करते भी हो, हमें भी उतना इन्फॉर्मेशन नहीं कि कौन सा बैंक, लेकिन जनरली जो बड़े पीएसयूज और बैंक हैं वो इस तरह के लोन में नहीं अवॉइड करते। तो मैं एक बार डॉक्यूमेंट बात करूँ कि मिनिमम जो आपका बिजनेस एग्जिस्टेंस 2 से 3 साल का होना चाहिए मिनिमम, उसके अलावा लास्ट 1 ईयर से आपका स्वैपिंग मशीन यूज में होना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तीसरा कंडीशन कहता है कि जो आपका एवरेज सेल है वो 2 लाख से नीचे नहीं होना चाहिए, यानी कि साल में 24 लाख का मेरा सेल होना चाहिए तभी बनेगा। साथ के साथ आपका कोई जीएसटी रजिस्ट्रेशन या किसी भी तरह का गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, पैन और एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। इसमें एक चीज बताइए कि इसमें आपको ऑनरशिप की जरूरत नहीं, किसी भी तरह का की जरूरत, क्योंकि हमने जो प्रीवियस वीडियो बनाया था एक जिसमें हमने बात की थी 5 लाख तक का अनसिक्योर्ड लोन लेने के लिए, एक हमारा प्रीवियस वीडियो आप वो जाके देख सकते हैं, उसमें हमने बात किया था कि अगर आपको लोन चाहिए तो एड्रेस प्रूफ में आपको ये पेपर देना पड़ता है कि आपके पास ऑनरशिप प्रूफ हो, कोलेट्रल में नहीं देना था लेकिन ऑनरशिप प्रूफ के लिए। तो यहाँ पे वो कंडीशन नहीं, देखिए ये कंडीशन यहाँ भी है क्योंकि ये एक अनसिक्योर्ड लोन है, अनसिक्योर्ड लोन में कहीं भी आपको एक ओनरशिप प्रूफ देना पड़ता है, वो भी अनसिक्योर्ड लोन था इसलिए वहाँ भी ओनरशिप प्रूफ मैंडेटरी था, ये भी अनसिक्योर्ड लोन है इसलिए यहाँ भी ओनरशिप प्रूफ मैंडेटरी है। तो कहने का मतलब ये है कि जो लिस्ट है उसको आप ध्यान से समझ लें, लेकिन आपको प्लेस नहीं करना है, राइट? नहीं, प्लेस कुछ भी नहीं करना, प्लेस कुछ भी नहीं करना है, आपको गारंटी गिरवी कुछ नहीं रखना है और आप 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। और पैन इंडिया इस तरह की कंपनी अवेलेबल है जो कि NBFCs और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इस तरह की मदद करते हैं। साथ के साथ अगर आप दिल्ली NCR में हैं और आप इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं तो हमारे जो एक्सपर्ट बैठे हैं ये आपकी मदद कर सकते हैं। आप कॉमेंट बॉक्स में जाएँ, अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी छोड़ के जाएं, हम आपसे कनेक्ट होकर हम आपको मदद करेंगे कि आप ये लोन अगर लेना चाहते हैं कहां से हो सकता है और कैसे हो सकता है वो आपको हम सेपरेट, क्योंकि हम किसी कंपनी का प्रोडक्ट का नाम इसलिए यहां पे नहीं ले सकते कि हम ना उनको प्रमोट करना चाहता है और ना ही हमारा कोई उनके साथ कोई इसी तरह का कोई लीगल रिलेशनशिप है, तो हम किसी का नाम नहीं ले सकते, हमारी फाउंडेशन है। तो अगर आपको लोन चाहिए, उस तरह की मदद चाहिए, तो केवल दिल्ली NCR में हम आपकी मदद कर सकते हैं, दिल्ली NCR के बाहर हमारा कोई किसी भी तरह का कोई सहयोग नहीं हो पाएगा। हाँ, डॉक्यूमेंटेशन फ्रंट या किसी तरह की एडवाइस चाहिए वो हम गाइड कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, हम आपसे कनेक्ट होकर हम आपको बताएंगे कि ये लोन किस एजेंसी से मिल सकती है, कहाँ आपको जाना चाहिए और किस तरह से आपको ये 10 लाख तक के लोन लेने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इसके अलावा मुझे नहीं लग रहा कि हम कोई पॉइंट मिस कर रहे हैं जो हमें अपने यूजर को बताने की जरूरत है। नहीं, हमने सारा कुछ कवर कर दिया। एक मैं प्लस पॉइंट और जोड़ना चाहूंगा कि अगर आप ये मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन पूरा करते हैं तो आपको 3 दिन में भी ये लोन हो सकता है, जो इसका एक बहुत मतलब मैं इसको 3 दिन ना कहकर जो बैंकिंग स्टाइल होते हैं 72 घंटे में, बिल्कुल कहने का मतलब 72 आवर्स में ये लोन डिसबर्स हो सकता है, उससे कम टाइम में भी हो सकता है, बहुत ही आसान होता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। लेकिन सुरेश एक चीज छूट गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी तक हमने बात नहीं की। मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछा कि देखिए अनसिक्योर्ड है तो महंगा तो होगा ही होगा, वो तो कहने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई दोराय नहीं है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट डेफिनेटली महंगा होता है क्योंकि एक अनसिक्योर्ड लोन है। लेकिन ये जो लोन अगेंस्ट स्वाइप्स की जब हम बात कर रहे हैं तो ये बाकी लोन से क्यों डिफरेंट है ये मैं जरूर बताना चाहूंगा। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात हो रही है, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको देते हैं ये लोन, वो फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं। अगर मतलब आपको ये समझ में आता है, मैं चाहूंगा नहीं कि आप इसको बहुत ज्यादा बताएं, एक चीज समझ लें कि ये सिंपल जो हमारे घर के आसपास जो हमारे जो साहूकार बोलते हैं, तो ये साहूकार वाला हिसाब किताब है। तो आप मतलब लेने के पहले थोड़ी सी सावधानी जरूर बरतें क्योंकि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है। एक लास्ट क्वेश्चन और मैं आपसे लूंगा सुरेश, अब एक चीज बताएं, इसमें कंपनी शायद डेली पैसा लेती है, कैसे पैसा लेती है इसमें, इसके प्रोसीजर को भी जरा एक बार बताएं। EMI लेने का जो तरीका है वो बेसिकली दो है, या तो वो डेली बेसिस पे आपसे EMI लेगी या फिर हाफ मतलब मंथ के बेसिस पे वो आपसे EMI लेगी, जिसको आप बाई मंथली कहते हैं। बेसिकली इसमें क्या है कि वो एक और मशीन पैरेलल में लगाएगी आपके यहाँ पे, और जो आपका सेल होगा वो पहला अपना जो EMI बनता है वो पहले अपने मशीन पे स्वाइप कराएगी, उसके बाद फिर आपका जो सेल होता है वो आपके अपने मशीन पे स्वाइप करने को अलाउ करेगी। अच्छा, तो कहने का मतलब इसमें 2-3 तरह के मॉडल है। एक मॉडल यह है कि वो अपना मशीन इंसर्ट कर देंगे और जो भी अमाउंट उनको चाहिए, जो भी उनका एक डेली का होगा, वो स्वाइप पहले आपको उनके थ्रू करना पड़ता है, दूसरा मंथली बेसिस पे। तो ये आप निगोशिएट
नेगोशिएट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। साथ के साथ आपके क्रेडिबिलिटी पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि वो कितनी फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। मंथली बेसिस पे मैं बोलना चाहूँगा, नॉर्मली वो नहीं जाते हैं, वो लास्ट से लास्ट फोर्टनाइटली, जिसे कहते हैं 15 डेज पे, फोर्टनाइटली बेसिस पे वो लास्ट अगर बहुत नेगोशिएट करेंगे तो फोर्टनाइटली, मतलब आप सीधा सीधे कहें कि एकदम साहूकार है और वो साहूकारी का बिजनेस कर रहे हैं, लोन नहीं दे रहे और साहूकारी वाला जो धंधे में जैसे कहा जाता है लोकल में, वो पूरे साहूकार है, रोज आपके दरवाजे पहुंच के पैसे ले रहे हैं, लेकिन यहाँ टेक्नोलॉजी है तो आपके दरवाजे नहीं आ रहे, वो सिस्टम के थ्रू पैसे निकाल ले रहे हैं। तो कहने का मतलब कि लोन अगर जो स्वैपिंग है, आप एक बार देख के समझ के लेने के पहले, लेकिन बहुत ही आसान है अगर आपकी किसी भी तरह की वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है या किसी तरह की लोन की ऐसी जरूरत है जो कि आपको इमीडिएट चाहिए और आपके पास डॉक्यूमेंटेशन कम है, तो आई थिंक कि एक अच्छा तरीका है। हमने ऑलरेडी पर्सनल लोन पे वीडियो बना रखा था, किसी ने हमसे पूछा इसलिए हमने इस पे भी आए। तो ये अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट हैं, ये आप, ये डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, उसके डॉक्यूमेंटेशन नीड, किस तरह के फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है उस पर डिपेंड करता है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना ना भूलें। साथ के साथ हम ऑलरेडी ऐप पे भी हैं, हम फायर टीवी और एंड्रॉयड टीवी पे भी हैं, आप कहीं पे भी हमें देख सकते हैं, यूट्यूब पे तो ऑलरेडी हैं। एक चीज़, अगर इस तरह की जो आपके सर्कल में अगर किसी को लोन लेना, तो ये वीडियो ज़रूर सर्कुलेट करें ताकि उनको भी पता चल सके कि इस तरह का लोन कैसे लिया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू।